ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने घेवर बनाया है। फ्रेंड्स, ये राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी है। आजकल हर जगह हर कोई हर कुछ बनाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, बिल्कुल जालीदार बना है, बहुत टेस्टी लगता है। इसको बनाना भी बहुत इजी है फ्रेंड्स। तो आज मैं इसे ब्लेंडर में बनाना बता रही हूँ। ऐसे तो नॉर्मली थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगता है बनाने के लिए इसको, अगर नॉर्मल प्रोसेस में बनाए, लेकिन आज मैं इजी प्रोसेस करके ब्लेंडर में बता रही हूँ कि इसको ब्लेंडर में कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, घेवर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, घेवर के लिए पहले ये मैंने 1/4 कप ले लिया है घी। इसको मैं ब्लेंडर में डालूंगी। आज मैं घेवर बनाना ब्लेंडर में बता रही हूँ। अच्छे से सारा डाल लेंगे घी इसमें। और मैंने कुछ आइस क्यूब्स लिए हैं, उसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और फ्रेंड, इसे ब्लेंड कर लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, घी कितना स्मूथ हो गया है। अब इसमें मैं मैदा ऐड करूंगी। मैंने 1 कप मैदा लिया है, लेकिन इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स न पड़े। और फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल चिल्ड पानी डालना है, चिल्ड वाटर डालना है फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, फिर इसको दोबारा ब्लेंड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्लेंड कर लिया मैंने, सारा मैंने मैदा डाल दिया था। अब ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी है। अगर आप थोड़ा सा और पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, घेवर बनाने का बैटर हमारा परफेक्ट तैयार है। ये देखिए, यही कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। घेवर बनाने के लिए फ्रेंड्स देखिए, मैंने डीप सा बर्तन ले लिया है जिसके तले मोटे होने चाहिए फ्रेंड्स। और मैंने इसको आधा घी से भर दिया। घी या रिफाइंड तेल जो भी यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं घेवर को फ्राई करने के लिए। तेल फ्रेंड्स बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए, क्योंकि हमने बर्फ और ठंडा पानी यूज किया है, तो जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल ठंडा है। और गर्म तेल में जब ये जाएगा तो ये परतें बहुत अच्छी से बनेंगी। तो देखिये फ्रेंड्स, तेल बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ये मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। ये देखिये फ्रेंड्स, चमचे की मदद से मैं ऐसे ऊपर करके बिल्कुल थोड़ा 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 ऐसे करके डालूंगी। देखिए ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हम डालते जाएंगे इसमें। बिल्कुल पतली धार डालेंगे। ये देखिए, ये साइड में मिक्सचर लग रहा है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर ऐसे ऐड करेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, बीच में हम स्पेस बना देंगे। और ये देखिए, साइड के एजेस ऐसे छुड़ा देंगे हम। बिल्कुल जालीदार हमारा घेवर बनेगा फ्रेंड्स। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक का इंतजार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, किसी लकड़ी की मदद से जिस जिस साइड फ्रेंड्स ये फ्राई नहीं हो रहा होगा अच्छे से, उसे साइड प्रेस करेंगे। नीचे घी में उसको डालेंगे और अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं चारों तरफ से इसको घी में डुबो डुबो के फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए, साइड के एजेस भी छोड़ दिया है घेवर में। फ्रेंड्स, अगर नॉनस्टिक बर्तन है तो पकड़ेगा ही नहीं, स्टील या फिर एल्यूमिनियम का बर्तन है तो फिर साइड में पकड़ लेता है, फिर उसको छुड़ाना पड़ता है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मेरा घेवर बन के तैयार है। ये देखिए, ऐसे ही बाकी के घेवर में बना लूंगी फ्रेंड्स। बिल्कुल जालीदार बनाया है। ये देखिए 4 घेवर मैंने बनाया है उतने से बैटर से। अब इसको हम सजा लेते हैं। देखिए, मैंने एक प्लेट लिया है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, 1 तार की चाशनी बना के रखी है, उसको डालती हूँ इस पे। फ्रेंड्स, इसे मीठा करना है, इसे सॉफ्ट नहीं बनाना है, इसलिए जब घेवर ठंडा हो जाए तब इस चाशनी को इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने रबड़ी बना के रखा है, वो मैं ऐड कर रही हूँ इस पे। आप इसे फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके ऊपर मैं ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। मैंने काजू बादाम ऐड किया है, आपके पास पिस्ता है अगर तो वो ऐड कीजिए, बहुत ही कलरफुल आएगा, बड़ा खूबसूरत। और ये देखिए फ्रेंड्स,
राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी घेवर बन के तैयार है। फ्रेंड्स इसे घर में बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल जालीदार बनी है, बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बनी है फ्रेंड्स, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स स्वस्थ रहें और मस्त रहें।